हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है आर्यन जैन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओनली नॉलेज। आज की वीडियो हम बात करने वाले मोटो के G6 के बारे में और G6 प्लस के बारे में और G6 प्ले के बारे में भी बात करेंगे। हाल ही में मोटोरोला ने अपना एक टीजर लॉन्च किया है, एक ट्विटर हैंडल पर टीजर लॉन्च किया और कई सारी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। हो सकता है इसमें कुछ भी आ जाए, आपको सारी पिक्चर्स और वो टीजर भी मैं दिखाऊंगा। उसमें अपन देखेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन है मोटो G6 प्लस, G6 प्ले की और G6 की। मैं आशा करता हूँ कि मोटो G6 अगर जल्दी 19 अप्रैल को लॉन्च हो जाता है तो वो रेडमी नोट 5 प्रो क्लियर किलर बन सकता है, या फिर MI A2 किलर भी बन सकता है, और तो और ये फ़ोन बन सकता है Asus का Zenfone Lite है उसका भी एक किलर बन सकता है, क्योंकि इस फोन में भर भर के स्पेसिफिकेशन भरी हुई है। हालांकि डिजाइन के हिसाब से हो सकता है ये पुराने मोटो जैसे फोन का है, लेकिन अधिकतर चांसेस तो यही है कि ये आएगा मोटो के जो 18:9 की बॉडी रेशियो है उसमें आएगा, और इसका लुक थोड़ा चेंज हो सकता है। क्या पता कैसा लुक आएगा, लेकिन जिन कई सारे जो रूमर्स है वो आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेलर। तो जैसे आप ट्रेलर देख रहे हो, ये आप देख सकते हो इसके वॉल्यूम बटन से, और तो और जो नीचे जैसे ही आ रहा है ये फोन, तो इसके जो पावर बटन है वो थोड़ी मतलब क्या है कि शेड की हुई है और अच्छी डिजाइन में देखी रखी है। और तो और पीछे दो कैमरे होने वाले और फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। और जो डुअल टोन LED लाइट्स उसमें आने वाली, मतलब दो LED टोन्स होगी, जैसे कि नॉर्मल होती है, वो काफ़ी अच्छी फोटोज देगी वो। और आगे भी आप देख सकते हो कि एक फ्लैश लाइट आपको मिल रही है, तो यही है। हाँ, तो जैसे आपने टीजर देखा उसमें आप सबने देख लिया होगा कि किस तरह का ये फ़ोन होने वाला है। अब ये नहीं पता है कि मोटो G6 है, मोटो G6 प्ले है, मोटो G6 प्लस है। अब बात करते हैं कि जो कंपनी और रूमर्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से मोटो G6 कैसा हो सकता है। सबसे पहले मोटो G6 के बारे में बात करते हैं। मोटो G6 के अंदर 3200 mAh की बैटरी हो सकती है विथ टर्बो पावर, जो चार्जर आता है ना मोटोरोला का फास्ट। मुझे दो ही चार्जर सबसे बेस्ट लगते हैं, एक तो लगते हैं OnePlus का 5T का जो चार्जर आता है टर्बो पावर वाला, और ये मोटोरोला के जो चार्जर आते हैं वो सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं। और तो मोटो G6 में 12+5 MP का कैमरा हो सकता है और 16 MP का फ्रंट कैमरा हो सकता है, और विथ LED फ्लैश, काफ़ी अच्छी बात है। और ये क्या है कि मतलब बहुत शानदार अलग ही लेवल का फ़ोन होने वाला है मोटोरोला की हिस्ट्री, क्योंकि इसमें 18:9 का बॉडी रेशियो होने वाला है। और हो सकता है कि इसमें वो डंबल रहे, या हो सकता है कि मतलब जो वन प्लस के इनकी डिज़ाइन है वर्टिकल कैमरा सेटअप है वो आए, कुछ कह नहीं सकते अब, क्योंकि कई सारे फ़ोटोज़ है। मैं आपको ये फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, जैसे आपने ये फ़ोटो देख रहे हो वैसे आए कई सारे फोटोज है। जैसे ये तो एक नॉर्मल लुक है, आप इसके बारे में जो वर्टिकल कैमरा सेटअप है उसकी भी एक फोटो रिलीज हुई है, वो भी आप देख लो। जैसे आपने देखी ना तो आपको पता चल गया, लेकिन अब पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन जो कंफर्म लग रहा है कि यही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं देगा मोटोरोला उसके हिसाब से, तो यही है। ये मोटो G6 में आपको मैंने बता दिया। आप मोटो G6 प्ले की बात करते हैं, प्लस लास्ट में लाएंगे अपन। मोटो G6 प्ले हो सकता है 10 से 12 हज़ार के आसपास, और मोटो G6 जो है वो हो सकता है तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास। अब मोटो G6 प्ले में बात करते हैं, मोटो G6 में एक ही कैमरा होगा वो भी 12 MP का, और आगे 8 MP का हो सकता है कैमरा विथ फ्लैश, विथ LED फ्लैश, और पीछे भी LED फ्लैश मिलेगी, उसमें भी टर्बो पावर वाला मिल सकता है। और ये जो मोटोरोला के ये जो G6 प्ले है ये शायद से रेडमी नोट 5 किलर हो सकता है, सब जगह किलर ही बना रहा है ये तो। मोटो G6 प्ले जो है वो हो सकता है रेडमी नोट 5 किलर, क्योंकि इसमें कई सारे अच्छे फीचर्स है, बॉडी रेशो काफ़ी अच्छा है, लुक भी काफ़ी अच्छा है। हो सकता है शाओमी का किलर कोई तो मिला, क्योंकि नोकिया से उम्मीद की थी, पर नोकिया ने तो सब हाई एंड मतलब फोन्स बना लेते, इसलिए उससे आप कोई उम्मीद नहीं रखते अपन। अब जो है वो मोटोरोला के ऊपर ही है।
मोटो क्या करता है। नेक्स्ट और लास्ट फोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फोन का नाम है मोटो जी सिक्स प्लस, सॉरी मोटो जी सिक्स प्लस। ये फोन हो सकता है 17 से 18 हज़ार रुपए के बीच में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस फोन को लूँ अगर जब भी लॉन्च हो, और ये लॉन्च होने वाला है 19 अप्रैल को शायद से, फिक्स नहीं है। हालांकि यही फोन लॉन्च होंगे, फिर क्या पता कहीं अलग अलग भी कर दे। ब्राज़ील में इसका इवेंट है 19 अप्रैल को, तो हो सकते लॉन्च। और तो मैं आपके बताऊं कि इस मोटो जी सिक्स प्लस में है, इसमें भी कैमरा शायद से वही रह सकता है, लेकिन बैटरी में थोड़ा चेंज आ सकता है। बैटरी में ये हो सकता है 4000 mAh की बैटरी दे दे, हालांकि देता तो नहीं है मोटो, फिर क्या पता दे भी दे, क्योंकि अब आ रहा है वापस मार्केट में, हो सकता है। और इसके बारे में बात करते, बाकी सब तो मोटो जी सिक्स के बराबर ही होगा, कोई ज़्यादा फर्क होगा नहीं मोटो जी सिक्स और मोटो जी सिक्स प्लस के बीच में। हाँ, कैमरे में थोड़ा हो सकता है वो 16 का हो जाए, ये 20 का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कैमरे में अपन कुछ कह नहीं सकते। मैंने आपको कई सारे फोटोज़ दिखाई और ये सब दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और अगर वीडियो को ऐसी वीडियो देखना चाहते हो ना और तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और तो और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तो बाय। लेकिन जाने से पहले एक बात बताऊँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को। ओके, बाय।